Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. And today we are going to be doing a very very requested video. So मुझे काफी time से इस एक चीज को लेके DMs आ रहे हैं कि हमारा foundation कुछ time के बाद oxidize हो जाता है, grey पड़ जाता है, dark होने लग जाता है. So इसके लिए हम क्या करें? So that is what I'm going to share with you in today's video. तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम कोई फ्रूट स्पेशली एप्पल्स एंड आवोकाडोस कट करके थोड़े टाइम के लिए रखते हैं सो दे चेंज कलर एंड टर्न लाइक रेडिश ब्राउन इन कलर सो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन अभी केमिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अपने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है सो so, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं तो so, अभी हम इतना ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स में बात ना करके सीधा सीधा अपना मेकअप के टर्म्स में बात करते हैं तो so, हम देखते हैं कि कई बार जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं

की फॉर वॉचिंग दिसो टिल दी वेरी वेरी एंड और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज टेक आउट मोमेंट एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन नाउ विदउट एनी फर्द ब्लाबरिंग लेट्स जस्ट डाइव राइट इन दिस वीडियो सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट तो कभी भी आपको अपना मेकअप अनवॉश्ड फेस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी मैं अपना फेस वॉश करके स्किन केयर कर चुकी हूँ मॉर्निंग में बट अभी बिकॉज काफी टाइम हो गया आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन द आफ्टरनून एंड ऑल्सो आई एम एन ऑयली स्किन टाइप पर्सन तो मेरे पोर्स से ऑयल सिक्रीट हुआ है बिकॉज ऑफ विच माई फेस हैज़ टर्नड डार्कर इन कलर सो जब भी हमारे फेस पे ऑयल सिक्रीट होता है नेचुरली ओवर द टाइम हमारे फेस का कलर थोड़ा सा डाउन होने लग जाता है फिर आप फेस वॉश करते हो सो इट लुक्स वेरी ग्लोई एंड ूटिफुल तो यही हमें सबसे पहला स्टेप करना चाहिए मेकअप करने से पहले इज ऑलवेज क्लीन योर फेस और उसी के बाद अप, अपना मेकअप अप्लाई करना क्योंकि अभी आपकी स्किन का कलर थोड़ा डार्क होगा और अभी ही आप फाउंडेशन जो लगाओगे अपनी शेड का वो आपके शेड पर लाइटर होगा एंड ऑब्वियसली uh, वो जो मिसमैच होगा कलर का उसकी वजह से आपका फाउंडेशन ग्रेटर्न हो सकता है सो द वेरी फर्स्ट स्टेप वुड बी टू वॉश योर फेस सो अभी मैं अपना फेस वॉश करूंगी और मैं यूज कर रही हूँ ये खादी एसेंशियल्स का नेम फेस वॉश दिस इज बेट तो मैं फटाफट से अपना फेस वॉश करकेज करती हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहाइंड एवरी ब्यूटीफुल एंड फ्लॉलेस मेकअप देर इज अ परफेक्ट स्किन केयर रूटीन तो मोस्टली ऑयली स्किन पीपल में फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि जो आपके नेच

तो अगर आप इस चीज पे ध्यान दोगे कि कैसे आप अपने फेस पे ऑयल सके तो आपका होने के अब आपको स्किप नहीं करना है मैं यूज कर रही हूँ ये पॉन्स का मॉइस्चराइजर ये मेरा बहुत फेवरेट मॉइस्चराइजर है और बहुत अफोर्डेबल भी है सो तो मॉइस्चराइजर लगा के आपका जो फेस है वो अच्छे से हाइड्रेट होगा जिसकी वजह से जो आपके सिबेशियस ग्लॉन्स है वो हाइपर एक्टिव नहीं होंगे और जो ऑयल का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा तो सीटीएम अगर आप अच्छे से करोगे तो आपके फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने के चांसेस वही कम हो जाएंगे सो so, ये था स्किन केयर पार्ट अब हम बढ़ते हैं कि मेकअप करते टाइम आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने के चांसेस कम हो जाए बट उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी आज के गिव अवे की आपने टाइटल में देखा था दैट दिस वीडियो हैज अ गिव अवे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू अनाउंस माई सेकंड गिव अवे ऑन दिस चैनल जैसा की आप लोग जानते हो मैं हूँ एक ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप पर्सन और मुझे एक्ने होते रहते हैं और अभी फिलहाल मेरे एक्ने मार्क्स भी है सो आई नो हाउ डिफिकल्टर एक्ने जर्नी कैन गेट सो आज का गिव अवे है फॉर माई ऑयली स्किन बेबीज फॉर मेकिंग योर जर्नी टाट विद सिंपलर सो आज का गिव अवे होने वाला है ये डब्बा ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की तरफ से दिस इज अ गिफ्ट सेट फॉर द एक् पीपुल सो इसमें आपको मिलता है एक फेस वॉश एक टोनर एक असेंशियल ऑयल टीटरी असेंशियल ऑयल एंड लिप बाम इट इज वेरी वेरी क्यूट आई हैव यूज इट एंड आई लव इट सो दिस इज द बॉक्स दैट यू गिन गेट फॉर द गिव अवे आई होप दिस मेक्स यूर एक्ने जर्नी जर्नी विथ सिंपलर बिकॉज टीट्री तुलसी नीम बहुत अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट्स है इन प्रोडक्ट्स में सो आई होप यू लाइक द गिव अवे प्रोडक्ट्स एंड आई होप यू फॉलो द रूल्स एंड डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे सो रूल्स में वीडियो में आगे बताऊंगी सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ना अभी हम बात करते हैं अपने फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज करने से बचाने की वन मोर थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज मेकअप जब भी आप करना स्टार्ट कर रहे हो ना तो ये जो मैंने अभी आपको स्किन प्रेप बताया इसको आप अपने मेकअप करने से एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स पहले कर लेना ताकि जितना भी स्किन केयर है ना ये आपके स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा उसके बाद जो मेकअप है ना वो स्किन केयर के ये ग्रीसीनेस की वजह से ना स्लिप नहीं करेगा सो द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको अपने ध्यान में रखना है फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले वो है प्राइमर स्पेसिफिकली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अगर आप ऑयली स्किन टाइप पर्सन हो क्योंकि जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं वो आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल ऑब्जॉर्ब करते हैं और साथ के साथ वो आपके फेस को एक स्मूद बेस देते हैं जिसके ऊपर आपका फाउंडेशन अच्छे से ग्रिप होता है तो कभी भी आप प्राइमर को स्किप ना करें और ये दो प्राइमर है जो मुझे काफी पसंद है ये थोड़ा सा महंगा है ये बहुत अफोर्डेबल है इन साइड का है तो आज मैं इसी को यूज करने वाली हूँ सो so, आपको अपने फिंगर्स में प्राइमर को अच्छे से वार्म करना है टू एक्टिवेट द प्रोडक्ट एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर टी जोन मेनली क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है एटलीस्ट मेरे फेस में तो मेरे टी जोन में ही सबसे ज्यादा ऑयल आता है सो so, मैं इसे अच्छे से इसे प्रेस कर लेती हूँ ताकि ये मेरे पोर्स में अच्छे से सेटल से हो जाए और जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा ये एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद वही थोड़ा सा फिंगर्स में अपने पूरे फेस पे एक बार रन कर लेती हूँ ताकि मेरे पूरे फेस को एक स्मूथ बेस मिले सो ऑलवेज ट्राई टू यूज वाटर बेस्ड फाउंडेशन आप ट्राई करो कि आपके जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हो दे आर लेस इन ऑयल ताकि आप जितना भी ऑयल अवॉइड कर सकते हो अपने

बट डो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन इसकी कवरेज इसकी फिनिश एंड सुपर लाइट ऑन द स्किन सो दिस इज जस्ट परफेक्ट फॉर ऑयली स्किन पीपल अगर आपको एक नया फाउंडेशन बाई करना है ना मेरे कहने पे से खरीदो यू गर्न लव दिस फाउंडेशन तो अभी हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे आई एम टेकिंग द फाउंडेशन ऑन द बैक ऑफ माई हैंड अगर आपके पास वो स्टील प्लेट्स है ना तो आप उसे भी यूज कर सकते हो सो ये एक चीज और है कि जितना भी आप प्रिवेंट कर सकते हो अपनी फिंगर और स्किन का कांटेक्ट फाउंडेशन से उतना ज्यादा प्रिवेंट करो क्योंकि अगेन आपके फिंगर पे भी आपके नेचुरल ऑयल्स होते हैं और आप अपने फिंगर्स इधर उधर भी टच करते हो ना no? सो so, वो फाउंडेशन अगेन किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट कर सकता है आपके नेचुरल ऑयल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है सो ट्राई टू नॉट यूज योर फिंगर्स अगर आपका कोई फाउंडेशन ज्यादा ऑक्सीडाइज कर रहा है सो डू नॉट यूज फिंगर अभी मैंने डॉट किया है यूजिंग माई फिंगर्स बट आई डू नॉट ब्लेंड माई फाउंडेशन विद माई फिंगर्स क्योंकि आई डोंट वॉन्ट माई एंटायर फाउंडेशन टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द नेचुरल ऑयल्स ऑन द टिप ऑफ माई फिंगर तो आप यहाँ तो एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करो या फिर आप ब्रश यूज करो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आज मैं यूज कर रही हूं ब्यूटी ब्लेंडर अगेन अ टिप जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हो अपना फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए ऑलवेज डैम्पन द स्पॉन्ज सो अभी हम इसको डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लेते हैं फटाफट -फत. ऑलवेज जब भी आप फाउंडेशन बाय कर रहे हो तो ट्राई करो टू तो गेट द तो एग्जैक्ट शेड मैच क्योंकि अगर आप लाइटर शेड का फाउंडेशन लगाओगे पीछे से स्किन कलर डार्क के ऊपर आपने एक लाइट फाउंडेशन की लेयर लगा ली तो आपका फाउंडेशन ग्रे दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये हमारे साथ तब भी होता है अगर हमने सेम शेड का फाउंडेशन खरीदा है पर हमारे अंडर आईज बहुत ज्यादा डार्क है पिगमेंटेड है ना तो तभी हमारा जो अंडर आई एरिया होता है या माउथ के अराउंड का एरिया होता है ना वहां पर हमारा फाउंडेशन ग्रे दिखने लग जाता है अभी इसमें आप क्या करोगे दो

मैंने ऑफ स्क्रीन कंसीलर भी अप्लाई करा है थोड़ा सा अंडर आइज पे तो आप ब्लॉटिंग पेपर की मदद से अपना फाउंडेशन को इस तरह से ब्लॉट कर लो ये फाउंडेशन नहीं आपका लेगा बट अगर आपके फेस पे कोई भी एक्सेस ऑयल है तो ये ब्लॉटिंग पेपर ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेगा चाहे आपकी स्किन पे कोई एक्स्ट्रा ऑयल है या फिर आपके फाउंडेशन में कोई एक्स्ट्रा ऑयल है आप इसे अपने फेस पे ऐसे लगाओ और ऐसे हटाओ डू नॉट रब इट वरना जो आपका फाउंडेशन लगा है वो रिमूव हो जाएगा तो आप अपने फेस को अच्छे से ब्लॉट कर लो ताकि आपके फाउंडेशन में कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल ना रहे ओके okay, यही स्टेप आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो सो so, अभी मैं अपने फेस को सेट करूंगी यूजिंग दिस सेटिंग पाउडर तो सेटिंग पाउडर क्या करता है आपके फाउंडेशन को अच्छे से लॉक uh, करता है प्लेस पे एंड ऑल्सो आपकी स्किन को ऑयली होने से भी प्रिवेंट करता है तो मैं इसे मोस्टली अपनी टी जोन पे और अंडर आई एरिया पे लगाती हूँ ताकि अंडर आई पे क्रीज ना करे और टी जोन पे जितना भी मेरा एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होगा वो ये सेटिंग पाउडर अब्सॉर्ब कर लेगा अभी लास्ट स्टेप हम जो करते हैं वो होता है सेटिंग स्प्रे एंड ऑल्सो सेटिंग स्प्रे और पाउडर लगाने की वजह से आपका मेकअप लॉक हो जाता है और एयर के कॉन्टेक्ट में आने से भी रुकता है एक लेयर बन जाती है आपके फाउंडेशन और एयर के बीच में सो बाहर से भी मेकअप ऑक्सीडाइज होने के चांसेस कम हो जाते हैं सो या दिस वर ऑल द स्टेप्स जो आप फॉलो करोगे तो आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे इवन ड्यूरिंग द डे आप अपना ब्लॉटिंग पेपर अपने पास ही रखो अगर आपको लगता है की आपके फेस से ऑइल सिक्रीट हो रहा है तो आप उसको डाप करके ऑयल सारा रिमूव कर लेना दैट विल कीप योर फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग एंड यू मेकअप फ्रेश द एंटायर डे बट अगर इन सब के बाद भी आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है तो ट्राई स्विचिंग द ब्रांड आप किसी और ब्रांड का फाउंडेशन यूज करो क्योंकि हो सकता है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड का फाउंडेशन आपकी फेस को सूट नहीं कर रहा हो सो so, या yeah, अभी ये सारी बातें हो गई हैं आपको पता चल गया है कि अब आपको कैसे अपना फाउंडेशन लगाना है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना करे तो अब हम बात कर लेते हैं गिव अवे के रूल्स के तो गिव अवे के रूल

टीम सोनी मिश्रा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है तो ये हैशटैग यूज करना जरूरी होगा क्योंकि मैं यही हैशटैग पे जाके देख लूंगी सारे कमेंट्स उन्हीं में से आई विल अ विनर सो मेक श्योर यू यूज दिस हैशटैग दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप प्लीज आप सारे रूल्स फॉलो करके हैश टैग लगाना नहीं भूल जाना वरना योर एंट्री विल नॉट बी काउंटेड सो so, सिर्फ यही तीन सिंपल से रूल्स एंड नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड या विद दिस आई विल एंटर डेज वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो और मैं तो गिव अवे के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ आई होप

Thank you. These products are amazing. So, yeah, I'll see you super, super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.